नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोनांग चौधरी और ये हमारे कैमरामैन हैं अनिल गायकवाड़। तो आज हम केचावड़ा के इस फोन की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। आपने हमारी अगली वीडियो में देखा होगा कि हमने केचावड़ा का एक छोटा फ़ोन था उसकी अनबॉक्सिंग की थी, जो कि उसका रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा आया था। तो हम उसका दूसरा मॉडल लेके आए हैं, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये हमारा केचावड़ा K112, जिसमें हमको ट्रिपल सिम दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है बिग बैटरी, जो कि पता नहीं अभी इसकी बैटरी कैसी होगी। यहाँ पे पावर पेयर फ़ोन है, और हाँ ये आप पावर बैंक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो पीछे देख लेते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए काटते हैं इसको। तो ये निकलने की तैयारी में है। ओ माय गॉड दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, इसको फील कर सकते हैं, मैं तो इसको फील कर रहा हूँ। वाओ 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 वाओ, ये क्या है? अमेजिंग यार, ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है। ये आप टॉर्च देख सकते हैं इसकी। तो इसको साइड में रखते हैं। इसके अंदर हमको ये पता नहीं इजेक्टर पिन वाला कुछ दिया गया है, पता नहीं हमको ढूंढना पड़ेगा क्या काम आएगा, सब बाद में देखेंगे। फिर देखते हैं क्या है इसके अंदर। गाइस आप विश्वास नहीं करेंगे मेरे हाथ में अभी क्या है। यह है इसकी बैटरी, आप देख सकते हैं, यह काफी अमेजिंग है। ऐसी बैटरी मैंने पहली बार देखी है। और ये है केबल दिया गया है, नहीं सॉरी केबल नहीं है, ये है हैंड्स फ्री है केबल। ये है ये चार्जर के साथ यूएसबी पोर्ट है। और ये है वारंटी कार्ड, जो हम कुछ इतना ख़ास नहीं लगता, साइड में रख देते हैं अभी। पहले इसको स्टार्ट करते हैं। यार ये बहुत ही ह्यूज फ़ोन लगता है, पता ही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे चार स्क्रू दिए गए थे, 1 2 3 4। तो सबसे पहला मैं बैटरी डालने के लिए वो स्क्रू खोलने पड़ते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि इजेक्टर पिन जैसा कुछ है, पर असल में एक स्क्रू ड्राइवर है, इसकी मदद से हमको ये चार स्क्रू खोलने पड़ते हैं। बाद में आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 1 2 3, और यहाँ पर मेमोरी कार्ड है, ये सिम कार्ड है। यहाँ पे 3 सिम कार्ड आप एक साथ डाल सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए इसकी फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। ओह माय गॉड, अमेजिंग। तो अभी मैं इसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये हुआ स्टार्ट, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। और पीछे का स्पीकर बहुत बड़ा है, और आप देख सकते हैं स्टार्ट हो चुका है। ओह इसमें फेसबुक है, सब कुछ है, मल्टीमीडिया प्लेयर दिया गया है, कैमरा है, वीडियो रिकॉर्डर, वीडियो प्लेयर, कैमरा देख लेते हैं एक बार। ओ ये फ्रंट कैमरा है, फ्रंट कैमरा है दोस्तों, इसमें फ्रंट कैमरा है, मैंने अभी देखा ये। ये रहा बैक कैमरा,
आप देख सकते हैं तो इसकी क्वालिटी इतनी भी बुरी नहीं है, जो कि इसमें 2 मेगापिक्सल का कैमरा है। और ये रही टॉर्च, टॉर्च का बटन कौन सा वाला है, साइलेंट मोड एक्टिवेट हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे है ये वाला टॉर्च का बटन, हम देख सकते हैं अच्छी तरह से। तो इसकी फ्लैश दिखाता हूँ अभी, ये देखिए, अंधेरा करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है, और ये काफ़ी हेवी भी है और दिखने में भी काफ़ी मजबूत है। दिखने में नहीं, ये सच में मजबूत है। और इसका आप वॉइस टेस्ट करना चाहें तो आप खुद ले कर सकते हैं, हम नहीं करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमने जो अभी बैटरी डाली है वो टोटल 3500 mAh की है। आप सोच सकते हैं, तो आप सोचिए कि इसकी बैटरी कैपेसिटी कितनी अच्छी होगी। और तो और साथ में ही ये आपका पावर बैंक की तरह भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे USB पोर्ट दिया गया है, और यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है, और ऑडियो जैक है। आप यहाँ से USB पॉइंट कनेक्ट करके अपने फ़ोन में चार्ज कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और स्पेशली फ़ोन ये बैटरी और म्यूज़िक के लिए जाना जाता है। म्यूज़िक स्पीकर आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ये स्पीकर भी बहुत बड़ा है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये फ़ोन परचेस करना है तो इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और इसकी प्राइस बता दूं तो इसकी प्राइस सिर्फ 1300 रुपये है, जो कि आप फ्लिपकार्ट से इसको बाय कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। तेरी, तेरी।